हेलो एवरीवन, लाजवाब जायका में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताती हूँ वेज बिरयानी की इजी और टेस्टी रेसिपी। ये मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हुए हैं। ये मेरे पास 1 कप फेटा हुआ दही है, ये है 4 टेबलस्पून हरा धनिया, 1 कप मैंने मटर लिया हुआ है, 1 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट है, 1 टेबलस्पून मेरे पास देसी घी है, ये है 1 टेबल स्पून गरम दूध में भिगोया हुआ केसर है, 8-10 पुदीना के पत्ते हैं, 5-6 लौंग हैं, 2 तेज पत्ता, 2 बड़ी इलायची, 2 हरी इलायची, 7-8 काली मिर्च है, थोड़ी सी दालचीनी। इसके बाद है गोभी। गोभी को हमने काट रखा है। ये है 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। ये हमारे पास राइस है, बासमती राइस। ये हमने लिए हैं 2 प्याज, 2 टमाटर, 1 आलू, गाजर और हैं 5-7 हमारे पास हैं बीन्स। 2 बड़ी हरी मिर्च को हमने काट लिया है, इनके बीज को हमने निकाल लिया है। इसके बाद हैं कुछ मसाले। हाफ टी स्पून जीरा, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून है गरम मसाला, थोड़ी सी हल्दी और 1/4 चम्मच। राइस को हमने धो करके भिगो दिया है। बिरयानी के लिए हमेशा आप बगैर टूटे हुए चावल ही चूज़ कीजिए। इसके बाद जो हमारे पास सब्जियां थी उनको हमने कुछ इस तरह से काट लिया है। इनको बहुत ज़्यादा बारीक नहीं काटना है, इनको थोड़ा सा बड़ा ही काटना है। राइस के भीगने तक हम ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। हमारे पास जो कुकिंग ऑयल था, 3 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल को हम एक कुकवेयर में डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से हम गरम कर लेंगे। जब ये अच्छे तरीके से गरम हो जाएगा, इसके अंदर हमने प्याज को फ्राई करना है। लगभग आधे प्याज लेकर के हमने उनको फ्राई कर लेना है। इसमें से आधे प्याज ले करके हम इनको ब्राउन होने तक तल लेंगे। हमें इनको डार्क ब्राउन करना है। राइस 15 मिनट तक भीग चुके हैं। अब हमने एक बर्तन के अंदर 3 गिलास पानी डाल लेना है और उसके बाद जो हमारे पास साबुत मसाले थे, इसमें जो साबुत मसाले थे उसमें से मैंने आधे मसाले इस तरफ निकाल दिए हैं। अब ये चीज़ें मैं पानी के अंदर डाल दूंगी। पानी गर्म हो चुका है तो मैं इसके अंदर राइस भी डाल दूंगी और राइस को हम पका लेंगे। हमने बहुत ज़्यादा राइस को नहीं पकाना है। हमने इनको अधपके के रखना है और ज़रा सा नमक डाल देंगे। इसके बाद हम इनको ढककर रख देंगे। प्याज डार्क ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इनको एक बर्तन में निकाल लूंगी। इसके बाद ये जो बाकी के साबुत मसाले हमारे पास थे इनको मैं डाल दूंगी। जब ये खड़कने लगते हैं तो इसके बाद बाकी के जो प्याज हमारे पास थे ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। जीरा और ये हरी मिर्च और उसके बाद जो हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट था ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। ये राइस हमारे पक चुके हैं, थोड़े अधपके हो गए हैं ये। इनको 15 मिनट लगे हैं। अब हम इनका पानी निकाल देंगे। राइस को एक छन्नी के अंदर हम डाल देंगे जिससे कि इसका सारा पानी बाहर निकल आए। अगर आप चाहें तो ऊपर से थोड़ा ठंडा पानी भी डाल सकते हैं जिससे कि हमारे राइस थोड़े खिले खिले रहें। इनको
थोड़ा चला करके हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट इसके अंदर डाल देना है और इसको हम चला देंगे। जब ये थोड़े ब्राउन हो जाएं तो इसके अंदर हमने आलू गोभी को डाल देना है। हम गाजर और कटी हुई बीन्स की भी इसके अंदर डाल देंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी हमने ऐड कर देना है। इन सब चीज़ों को मिक्स करके हम इनको 2-3 मिनट के लिए ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। ये मटर भी हम इसके अंदर डाल देंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर को भी हम इसके अंदर डाल देंगे और इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे जिससे कि इसके नीचे ये मसाले वगैरह ना चिपके। सब्जियों को हमने लो फ्लेम पर 3 मिनट के लिए पका लेना है। हमने इनको भी अब पका ही रखना है। इसके बाद ये वाले सारे मसाले हम इसके अंदर डाल देंगे और 1 मिनट के लिए चलाते रहेंगे। आप चाहें तो इसका नमक और मिर्च अभी टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको कम लगता है तो आप और ऐड कर दीजिए। उसके बाद हमारे पास जो दही थी, फेटी हुई दही, ये हम इसमें डाल देंगे और उसके बाद इसमें से आधा हरा धनिया डाल करके मिक्स कर देंगे। 30 सेकेंड तक बंद ढक्कन के साथ पक जाने के साथ इसकी आंच को हम बंद कर देंगे और इसमें से आधी ग्रेवी हमने निकाल कर अलग रख लेनी है। ये आधी ग्रेवी हमने निकाल ली है और बाकी की आधी ग्रेवी पर हम राइस की 1 लेयर ऐसे फैला देंगे। अब इस पर आधा केसर हमने डाल देना है, आधे को हमने बचा कर रखना है। उसके बाद हमने धनिया के जो पत्ते हमारे पास थे वो इसके ऊपर फैला देने हैं। उसके बाद जो प्याज हमने फ्राई किया था ये भी हमने इसके ऊपर डाल देना है। इसके बाद जो हमारे पास धनिया के पत्ते थे उसमें से आधे पत्ते हमने इस पर डाल देने हैं। इसके बाद फिर से हमने ग्रेवी की परत एक इसके ऊपर लगा देनी है, ये वाली इसके ऊपर ऐसे ही फैला देनी है और फिर से हम वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। ये ग्रेवी की लेयर दोबारा हमने इसके ऊपर डाल दी है। फिर से हमने राइस डालने हैं और बाकी का बचा ये बाकी के बचे हुए धनिया और पुदीना के पत्ते भी मैंने इसके ऊपर फैला दिए हैं। प्याज था जो ब्राउन प्याज वो भी मैंने डाल दिया है। अब हमारे पास जो देसी घी था वो हम इसके चारों ओर डाल देंगे और आंच को मैंने बंद कर रखा था। हमने फिर से लो फ्लेम पर आंच को ऑन कर देना है और लो फ्लेम पर इसको 15 मिनट के लिए पका लेंगे। इसके बाद हम इस पर ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन हमारा टाइट होना चाहिए और जिस बर्तन में हम बिरयानी बना रहे हैं वो हैवी तली वाला बर्तन होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये हमारी वेज बिरयानी तैयार है। आप इसे घर में ट्राई कीजिए, ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप पुदीने की चटनी और बूंदी के रायते के साथ इसको सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी? अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, प्लीज़ बेल का आइकन दबाना ना भूलें जिससे कि जो भी नई वीडियो अपलोड हो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।